हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं निकल रही हूँ इंडिया। अभी भैया और दीदी मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। मतलब पापा हैं, सिमरन हैं, भैया, दीदी, और भैया की इस वाली गाड़ी में जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। मतलब हर चीज़ की एक्साइटमेंट, हर चीज़ की, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की। बट इस वक्त सच बोलूँ धक धक हो रही है कि मैं कैसे पहुँचूँगी, अकेले जाना है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ है। तो चलो अभी चलते हैं। पापा घर में अपनी माँ को तंग मत करना, जैसे वो बोलेगी वैसे काम करना। और जैसे मुझे तंग किया वो नहीं तंग होनी चाहिए। मुझे पता है कितने दिन, एक एक दिन कैसे कैसे सहन किया। बस रुको रुको, 3 दिन बाद सबके पास तारीफ करूंगा। मैंने सैलरी में जोड़े नहीं, जितने दिन खर्चा दिए सब डॉलर डुलर ले भी जा रही थी। आधी नहीं ले जा रही पापा, मैं सच में नहीं। और जो गिरा दिए डॉलर वो वो भी तो सोच मेरी किस्मत में नहीं थे। हां ठीक है, खुश हो जा, घर जा, एंजॉय कर। वो तीन लोग जो डॉलर गिरा देते हैं। हां एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मम्मा डर लग रहा है, कह रहा बाय बाय। अब मेरी टिकट दे दो। ओ यार, चलो बाय दी। ओके जी, थैंक यू, सेफ जर्नी। इतना कुछ करने के लिए अरे आप नहीं भूलूंगी। थैंक यू, कोई बात नहीं है। मैं सबको बाय बाय सिमरन, बाय। चलो बाय बाय, मैरिड लाइफ। भैया सही है, सबसे आगे स्पीड में, बस सब कुछ जल्दी जल्दी करवा देंगे। चेक इन हो चुका है। बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय पापा। ओके बाय 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 बाय। चलो फिर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कट हो जाएगा। चलो बाय, बाय बाय। चलो चलो अब अकेले आगे। पापा एक्चुअली यहाँ पे चेक इन तक आ सकते हैं अंदर छोड़ने, उसके आगे आपको खुद जाना पड़ेगा सिक्योरिटी गेट से आके। मम्मा यहाँ पे तो सब हगी हगी चल रही है। गाइस आज अकेले पहुँचना है इंडिया तक। मुझे मेरी फ्लाइट मिल जाए उसके बाद थोड़ा डर थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट सा। पापा की याद आ रही है यार, मतलब पापा कैसे लग रही थी। B45 में जाना है तो गेट नंबर B45 मेरा गेट नंबर है, तो मेट्रो लेनी पड़ेगी, मेट्रो ट्रेन जो भी है। चलो 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 गाइस, बी गेट सब कुछ हो चुका है और अभी सिर्फ 8:31 हो रहा है। मम्मा इतनी देर में क्या करूँगी। जब अभी अभी पापा के ऑफिस के कलीग्स भी मिले, एक्चुअली मैं उनको पहचान ली थी, उनके घर हम डिनर करने गए थे एक बार, फिर उनको भी टाटा बाय बाय की और मैं आ गई। एक्चुअली वो सारे थे ऑफिस वाले, तो मैं थोड़ी सी ऐसे नर्वस हो गई थी सबको देख के। फिर सब B45 की तलाश में हूँ। चलो चलो B45 मिल चुका है, बट यहाँ क्या करूँगी यार, कहीं चलते हैं। अरे गाइस अब अकेले क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर घूम के आऊँ, बट उससे पहले ऐसा कहते हैं वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, फिर घूमते हैं यहाँ पे, किसी से गप्पे मारते हैं और क्या, अदरवाइज तो मैं बोर हो जाऊँगी अकेले। तो अभी तो कोई भी नहीं आया, एक दो लोग हैं बस। गेट नंबर मिल गया, अब थोड़ी सी ऐसे कि ठीक है ओके, अब थोड़ा सा रिलीफ सा फील हो रहा है। पता नहीं यार क्या हो गया था स्टार्टिंग में, मतलब रात को तो ठीक था सब कुछ नॉर्मल, जैसे सुबह उठी ना कुछ अजीब सी सुबह थी, अनोखी सी, डिफरेंट सी, अजीब लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, बट ठीक है। बस पापा के साथ ऐसा था कि पापा जैसे अकेले हैं यहाँ पे तो लग रहा था, अदरवाइज इंडिया जाने में तो मैं खुश हूँ। और मतलब वहाँ मम्मा होंगे, आयरा, भाभी, अखिलेश तो चलो सऊदी में है, बट पापा का फील हो रहा था कि यार वो अकेले हैं तो उस वजह से थोड़ा। पर हैं भैया दीदी इतने प्यारे हैं, इतने पर जितना उन्होंने किया है ना, आई स्वेयर यार वाह हैं वो दोनों। मतलब सच में वो मेरे को बोल रहे थे कि इंडिया जाते भूल जाएगी, बट मैं उनको सच में लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी, उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, मतलब उन्होंने सब कुछ किया है। आज उन्होंने यहाँ छोड़ा, मतलब और भी लोग थे बट किसी ने पूछा नहीं कि कैसे जा रहे हो या क्या,
तो उन्होंने हमें मतलब यहाँ तक छोड़ा अंदर अच्छे से, और भैया ने तो बहुत अच्छे से गाइड किया, छोटी छोटी चीज़ बताई, बिल्कुल बड़े भाई की तरह, मतलब बहुत ही प्यारे हैं यार भैया दीदी दोनों। उन्होंने यहाँ पे छोड़ा भी और साथ में खाना भी दिया है, मतलब पूरा अच्छे से पैक कर, बिल्कुल घर वाला फील यार, लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं अनोखी जगह से वापस घर जा रही हूँ, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा घर से ही आ रही हूँ। थैंक यू भैया दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब पापा की भी अब टेंशन नहीं है, आप लोग संभाल लोगे मुझे पता है। सो ये थे गाइज मेरे भैया और दीदी जिन्होंने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। ऐसे लगता है बिल्कुल हमारी फैमिली है, थोड़ा भी फील नहीं होने दिया कि हम लोग बाहर आए या ऐसा कुछ। घूम लो घूम लो, घूमते जाओ, अब अकेले और क्या कर सकते हैं, करते हैं विंडो शॉपिंग और क्या, इस शॉप में देखते हैं क्या क्या है। विंडो शॉपिंग का भी अपना ही मजा है, ये देखो बैग्स ही बैग्स एमके के। अरे ये वाला कितना प्यारा ना, ग्रे एंड वाइट मस्त लगा मुझे। इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस है $158। कितना प्यारा है ये, पर बैग्स ही बैग्स। परफ्यूम्स गाइस गेस ये क्या हो सकता है, ये भी है परफ्यूम, देखो इसकी स्प्रे यहाँ से होगी। ये सारे टेस्टर्स पड़े हैं, देखते जाओ। अरे मेकअप वाला सारा का सारा। अरे यार 9:30 हो चुके हैं और मैं थक चुकी हूँ घूम घूम के, चलो आप ब्रेकफास्ट करते हैं। और क्या यार ये क्या अजीब सा लग रहा है अकेले अकेले, मतलब बोरिंग सा, मतलब क्या करूँ और। चलो अभी तो 14 hours निकालने हैं यार। हाँ मेरी डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो वो पूरी 14 hours कुछ ऐसा दिखा रही थी, 14 hours बिल्कुल बैठना है यार, हालत ख़राब होने वाली है, बैंड बज जाती है यार, इतनी देर तक कौन बैठा रहेगा। बट चलो जाना पड़ेगा, हाँ अकेले थोड़ा सा हो जाता है कि कोई साथ ना हो तो क्या करेगा बंदा, बोर ही हो जाएगा। पर गाने सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे, थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी कि व्लॉग एडिट कर लूँ, फिलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। दीदी ने क्या क्या दिया है देखते हैं, यम यम वो बना दी, सब कुछ इतना टेस्टी है कि ये भी टेस्टी होगा। अकेले तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, ऐसा नहीं लग रहा जैसे डरी डरी सी हूँ, सहमी सहमी सी, पर क्या करूँ यार, फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब ऐसे मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आज तक तो कभी भी नहीं, मतलब इंडिया में भी मैं ऐसे नहीं जाती थी कभी अकेले जाना है कहीं ऐसा कुछ, तो इस बार तो सीधा इंटरनेशनल। यार चलो यहाँ पर बैठ के खाते हैं खाना, और वो देखो यार इंडिया का फ्लैग, यहीं जाना है मुझे। ये देखो गाइस क्या क्या है खाने में, निकालो निकालो। अरे ये तो बहुत बड़ा सा बॉक्स है, ये देखो। वैसे दीदी ने मुझे बता दिया था पहले ही इसमें क्या क्या है, इसमें है बर्गर, इसमें है केक और है कैंडीज। बर्गर है टेस्टी, यार ये तो बहुत ज़्यादा यम बनाया है, मतलब टिक्की तो एकदम परफेक्ट यम। थैंक यू दी, बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो मुझे पता ही था कि ये टेस्टी ही होगा क्योंकि आपने बनाया है, आप सब कुछ इतना टेस्टी बनाते हो कि वाओ। दीदी वगैरह सुबह ही आ गए थे घर और वो पूरा ब्रेकफास्ट बना के लाए थे पापा के लिए भी, सिमरन के लिए भी, फिर उन सब ने वहीं पे ब्रेकफास्ट किया घर पे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं सुबह तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था और इस टाइम खा के बहुत अच्छा लग रहा है यार, बर्गर से पेट फुल हो गया, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। केक भी है बट टेस्ट कर लेते हैं, खाया नहीं जाएगा अभी। ओ भाई ये तो इंडिया पहुँचने वाला है, इतना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। केक भी यम है, मस्त एकदम वाओ। मम्मा मुझे लगता है कि आप तक पहुंचने वाला है, और दीदी ने बोले ये ख़राब भी नहीं होएगा। इतना सारा तो मैं खा नहीं सकती, पर जिस जिसको मिलने वाला है ना भाई, USA से आ रहा है केक। ब्रेकफास्ट डन, अब चलो परे जाके बैठते हैं गेट के पास, 10 बजने वाले हैं, पर क्या करूँ और बैग भी भारी लग रहा है, उठाया नहीं जा रहा, तो गेट के पास ही बैठते हैं। अब सबको मिस कर रही हूँ, प्रशांत भैया एंड फैमिली, श्रेणी एंड ऑल, मिसिंग यू गाइज। यार वहाँ पे तो एरिया पूरा फुल हो चुका है, तो मैंने बैग वहाँ पे रखा है सामने ही है, मतलब देख रही हूँ सही है, वरना पापा बोलेंगे तो फिर से सामान छोड़ के कहीं और घूम रही थी। सामने है पापा, दिख रहा है मुझे। बाकी अभी एक अंकल मिले मुझे, मतलब वो इंडिया से नहीं है, तो वो पूछ रहे थे कि मतलब इंडिया का पानी इतना ख़राब होता है कि मुझे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। मैं हैरान होंगी, मतलब उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया
कि यहाँ से वाटर लेके जाना है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर यहाँ कितना ले जाओगे आप, कितना दिन चला लोगे अगर ले भी गए तो. तो मैंने उन्हें मना किया, मैंने उन्हें बताया वैसे तो कि मतलब जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे तो पानी अच्छा होता है, शिमला में, मतलब शिमला तो चलो शिमला में भी ख़राब होता है पानी, बट ये कि डायरेक्ट वाटर, मतलब डायरेक्ट टैप वाला यूज़ ना करो ना, फिर अगर लग रहा है तो खरीद लो दुकान से. बट इतना भी कुछ नहीं है कि यहाँ से खरीद के जाना पड़ेगा, है ना यार, मैंने सही गाइड किया ना उन्हें. मुझे हंसी आ रही थी वैसे यार इंडिया को पानी के लिए भी बदनाम कर दिया भाई, पानी अच्छा प्रोवाइड करवा दो इंडिया वालों. एक्चुअली वो घूमने जा रहे थे न्यू दिल्ली, उन्होंने बताया. तो न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली के नाम से तो मुझे भी लगा कि हाँ वहाँ का पानी शायद गंदा ही होगा बट ये है कि अगर वही है, अगर खरीद लोगे बॉटल्स तो वो थोड़ी गंदा होगा यार, वो तो सही होगा, है ना. बाकी श्रेणी श्रेया कल रात को बहुत मजा आया गाइज, कल रात की मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ. हेलो गाइज, हेलो गाइज, सारी सारी एक्चुअली गाइज फाइनली मैं व्लॉग में मेरा डेब्यू हो गया है, यूट्यूब पे डेब्यू हो गया है. दीदी ने मेरा भी करवाया है, अब इसका भी करवाएगा. तुम लोगों ने मेरे को देखा होगा, मैं स्वेटर के पीछे छुप रही थी जब दीदी को विश कर रहे थे हम लोग. क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? इट्स योर व्लॉग. एक्चुअली कल मुझे इंडिया निकलना है और अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम यहाँ घूम रहे हैं यार, सुबह 7 बजे निकलना है. क्या चल रहा है? हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर थोड़ा थोड़ा हो जाए. सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो जाए तो बहुत शरीफ. बहन तो दीदी का ही था पर बाहर है. ओ भाई कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग. ओ मम्मा नींद आ रही है और यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है. हाँ, सब हम कुछ चिल्ला रहे, हंस रहे, हम हरकतें कर रहे थे. लोग लिटरली पागल समझ रहे हैं, लोग होंगे तो समझेंगे. थोड़े बहुत जो दिख रहे हैं वो तो हमको सही में पागल ही समझ रहे हैं यार. ओह माय गॉड, मेरे पापा इस टाइम जाग के देख रहे होंगे ना कि ये लड़की घर पे नहीं है. ये व्लॉग तो मेरा नंबर था. व्लॉग तो जरूर अंकल ये व्लॉग है. आपको दीदी ने बोला था 15 मिनट में आऊंगी, तो 2 घंटे हो गए, घर नहीं आई है आपकी बेटी. बिगड़ चुके हैं इनकी कंपनी में ये लोग. नहीं यार हम लोगों ने तो 5 मिनट घर पे आ जाओ बोला था, ये 2 घंटे आदमी जा नहीं रही है, जाने का नाम नहीं. अरे बोले चलो चलते हैं नीचे जाके. तुमने भी तो बोला था अंकल को हम आ रहे हैं, दीदी को छोड़ने जा रहे बस. और हम यहाँ पहुँच गए, हमारे पापा को भी पता चल रहा है तीनों लड़कियाँ. पर जब तक वो देखेंगे तब तक उनका शांत हो जाएगा गुस्सा. बोलेंगे अब क्या, 100 साल हो गए. 100 साल दीदी का कितना टाइम होता है एक वीडियो एडिट करके? 4-5. अरे अभी तो जाएगी इसका कुछ इंडिया जाएगी. तो हम लोग इतनी रात को वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे, सुबह मुझे निकलना है ना. पापा का थोड़ा लग रहा था कि पापा बोलेंगे अगर उठ गए गलती से तो क्या होगा मेरा. प्रशांत भैया वगैरह से भी मिलके आई, भैया ने स्पेशली बोला था कि जाते हुए भाभी से मिलके जरूर जाना, तो मुझे कल समझ आया. एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट देना था तो इसलिए थैंक यू गिफ्ट के लिए, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा. तो मैं भैया के घर से भी उनको बोल के निकली थी कि मैं 15 मिनट्स में घर पहुँचना है वापस, मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग है. फिर रात को जैसे मैं घर पहुँची ना यार, पापा सोए थे बट मुझे पता था उनकी नींद तो टूट गई है. फिर मैं धीरे धीरे से सब कुछ निकाल रही, जो जो मेरा था बचा हुआ पैक करने के लिए. रात के 1 बजे मैं पैकिंग कर रही, वो लास्ट मिनट वाली, और सुबह भी लगी हुई थी वैसे तो. वो सब कुछ मैंने सोफे में रख दिया था निकाल के, क्योंकि फिर वो रात को पापा डिस्टर्ब हो जाते. फिर मैंने सुबह फटाफट से डाला वो सब और बस हो गया सब. अमेजिंग.